अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम जिस नंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है रैशनल नंबर्स। दोस्तों, नंबर सिस्टम के अंदर जो एक नंबर होता है जिसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, इसकी क्या तारीफ है या रैशनल नंबर किसको कहते हैं? एक सिंपली जो मैथ की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर आप किसी भी नंबर को पी ओवर क्यू की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें तो उसको हम कहते हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन कहा जाता है, इसमें एक बात याद रखें कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो भी आप नंबर लिखेंगे क्यू को आप कभी ज़ीरो नहीं लिख सकते। हम ज़ीरो इसलिए नहीं लिख सकते कि अगर हम ज़ीरो लिखेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, वो तो हम नंबर से ही बाहर निकल जाएंगे, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता। तो ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें वो रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हमने डायरेक्टली ये समझना हो कि रैशनल नंबर क्या होता है तो उसका मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, एक कुलिया समझाता हूँ, एक टेक्निक समझाता हूँ, एक ट्रिक समझाता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप ऐसे नंबर लें कि जो डिवाइड होते हों, जैसे देखें 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आंसर आता है 1.5। अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 1.5 आता है। जब आप कभी दो नंबर को डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद आंसर पूरे का पूरा आ जाए, यानी 1.5 आ जाए या 1.7 या 1.9 कुछ भी आ जाए लेकिन पूरे का पूरा आ जाए, उसको हम कहते हैं कि जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर कभी हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा ना आए, ये यूँ चलता रहे 0.333333333333 ये चलता रहे, रुके ना, ये भी रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल नंबर है जो पूरे का पूरा डिवाइड हो जाए, और ये भी रैशनल नंबर है कि जो डिवाइड पूरे का पूरा तो ना हो लेकिन नंबर रिपीट कर रहा हो। नंबर क्या कर रहा हो? रिपीट कर रहा हो, इसको हम लोग बोलते हैं ये रैशनल नंबर है। तो कौन सा रैशनल नंबर फिर नहीं होता? अगर पूरे का पूरा आ जाए फिर भी रैशनल नंबर है, अगर पूरे का पूरा ना आए तो फिर भी रैशनल नंबर है, लेकिन पूरे का पूरा ना आए वो एक सूरत में रैशनल नंबर है, जब ये पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो। तो ये जो है रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। एक वो रैशनल नंबर है जैसे अगर 4 को हम 5 से करें, ये 0.785341 एंड सो ऑन चलता रहे। अभी देखें, इसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ नहीं है, ना तो ये पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है और ना ही ये पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है ये दो रैशनल नंबर हैं लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। इंग्लिश में हम कहते हैं कि अगर कोई कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए या रिकरिंग हो, रिकरिंग का मतलब है कि जो पॉइंट के बाद नंबर क्या हो रिपीट कर रहा हो, तो इन दोनों को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स कहते हैं, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं।